क्या सच में किसी के याद करने पर आती है हिचकी, या इसके पीछे कोई और कारण है? यही चीज आज हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और यही चीज हम आज आपको बताएंगे और इस सच से हम पर्दा उठाएंगे कि इस बात में कितना दम है। ठीक है, ये बात बताएंगे। और इस वीडियो के अंत में, आप वीडियो को पूरी देखना, इसके अंत में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे चुटकियों में आप हिचकी को खत्म कर सकते हैं, रोक सकते हैं जब भी आपको हिचकी आए तो। और बचपन से लेके बड़े होने तक हम इस बात पर विश्वास करते आए हैं, ऐसा ही होता है। पर इसके पीछे क्या कारण है? क्या यह बात सच है कि कोई जब हमें याद करता है तो वास्तव में जब कोई हमें याद करता है तभी हमें हिचकी आती है? क्या आप इस बात के लिए एग्री हैं? अक्सर आप किसी अलग अलग लोगों से इस बात के बारे में पूछेंगे कि भाई कोई याद करता है तभी हिचकी आती, तो कुछ लोग तो कहेंगे हाँ ऐसा ही होता है, लेकिन उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं देंगे। वो कहेंगे हाँ ऐसा होता है, हमारे साथ ऐसा होता है, बट अगर 10 में से अगर एक दो को ऐसा हो गया तो उन चीजों पे विश्वास करने लग जाते हैं। लेकिन मेडिकल साइंस ने इस पर एक रिसर्च की, एक एनालाइज किया और इसके पीछे का कारण बताया कि एक्चुअल में हमें हिचकी क्यों आती है। तो इसके पीछे के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें से मेडिकल साइंस ने एक कारण तो ये बताया कि जब हम सांस लेते हैं ना, जब सांस लेने की प्रक्रिया प्रोसेस करते हैं तो हमारे फेफड़ों के अंदर ना एक्चुअल में हवा भर जाती है, जिससे उस शख्स के पेट और सीने के बीच में एक डायाफ्राम होता है। जो डायाफ्राम होता है ना उसमें वाइब्रेशन होने लगती है। हमारा डायाफ्राम है, उसके अंदर वाइब्रेशन होने लगती है और उससे हमारा डायाफ्राम जो है वो सिकुड़ने लगता है, जिसकी वजह से हमें हिचकी आने लगती है, यानी हिकअप आने लगता है। तो हिचकी का कारण क्या हुआ? जैसा कि मैंने आपको बताया, एक तो ये कारण हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है, जब हम भूख से ज्यादा खाना खा लेते हैं, यानी हमें भूख तो जितनी भूख लगी उससे ज्यादा हमने खाना, यानी ओवर ईटिंग कर दी हमने, जिससे क्या होगा, हमारे पेट में गैस बनने लगती है एसिडिटी की वजह से, और एसिडिटी की वजह से भी हमें हिचकी शुरू हो जाती है, यानी हिकअप जो है शुरू हो जाता है। इसके पीछे का तीसरा कारण यह भी हो सकता है कि हम जो स्पाइसी खाना खाते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि मसालेदार, ज्यादा मसालेदार तीखापन वाली जो भी हम चीजें खाते हैं उसकी वजह से भी हमें हिचकी आती है। अक्सर आपने देखा होगा ज्यादा मिर्च मसाले वाले हम कुछ भी चीजें खाते हैं तो उससे हमें हिचकी चलने लग जाती है, तो इसका कारण ये भी। और इसका ये भी फोर्थ यानी चौथा इसका जो कारण ये भी हो सकता है कि जो लोग शराब का अधिक सेवन करते हैं उनको भी हिचकी आती है, उनकी हिचकी स्टार्ट हो जाती है और बहुत जल्दी से उनको हिचकी स्टार्ट हो जाती है। तो ये थे कारण, मेडिकल साइंस ने कारण बताया कि हिचकी आने का एक्चुअल में कारण क्या है। अब हम जानेंगे कि किस तरह चुटकियों में आप हिचकी को खत्म कर सकते हैं, रोक सकते हैं। इसके लिए आपके पास दो उपाय है। नंबर एक, आप इनमें से कोई भी कर सकते हैं और अपनी हिचकी को चुटकियों में खत्म कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, आपको अपनी सांस को कुछ पल के लिए रोकना है, ज्यादा टाइम के लिए नहीं, कुछ पल के लिए रोकना है, जिससे क्या होगा, हमारे शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इफेक्टिवली रूप से बनने लगेगी, जिससे हमारा जो डायाफ्राम है, जैसे मैंने बताया था कि डायाफ्राम हमारा सिकुड़ जाता है जैसे हिचकी आती है, जो डायाफ्राम में सिकुड़न आ गई है, जो उसमें ऐंठन आ गई है, उसको वो खत्म करने का काम करेगी वो CO2 गैस जो हमारी बॉडी में बनेगी, जिससे हमारी हिचकी जो है वो तुरंत रुक जाएगी। एक तो कारण ये हो गया। दूसरा कारण हमारा ये हो सकता है कि आप अपनी जीभ को, टंग को बाहर निकालिए, जितना उसके बाहर निकालने की कोशिश करिए, क्योंकि जब जीभ को हम बाहर निकालेंगे अपने मुंह से तो हमारे गले की मांसपेशियों में खिंचाव पैदा होगा और उस खिंचाव से जो है हिचकी तुरंत चुटकियों में खत्म हो जाएगी। तो देखिए ये दो उपाय आप करके देखिए, अगर आपको हिचकी जब भी आपको हिचकी आए तो आप ऐसा करके देखिए, आपकी चुटकियों में जो है हिचकी जो है खत्म हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी और आपको इस वीडियो से क्या कुछ सीखने को मिला। तो इसी तरह से हमारी वीडियो को देखते रहिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच।